मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी टोमेटो सूप बनाना, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल का, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। तो आइए देखते हैं इसे बनाना। टोमेटो सूप बहुत ही हेल्दी होता है और आप बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट जैसा बना सकते हैं। टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए ये सामग्री। 4 फ्रेश टोमेटो लिया है मैंने यहाँ पर पके हुए, और यहाँ पर लिया है मैंने नमक, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, एक मोटी इलायची और 2 इलायची, अदरक का टुकड़ा, लहसुन, प्याज रफली चॉप, गाजर और धनिया, और 1 चम्मच के बराबर लिया है मैंने यहाँ पे ऑयल। तो सबसे पहले हम टोमेटो को कट कर लेंगे, हाफ हाफ करके कट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारे टोमेटो को कट कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो चुकी है, तो अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, गाजर। ये चीज़ें मैंने कढ़ाई में डाल दी है। इसे हम हल्का सा पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। से 3 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमें पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद हम और पानी डालेंगे। और इसमें हम धनिया भी डाल देंगे क्योंकि टमाटर के साथ धनिया का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हम धनिया डाल के लिड बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। टमाटर को बीच बीच में हम दबा कर चेक कर लेंगे कि पका है कि नहीं। अभी टमाटर दबाने पर अच्छी तरह से दब रहा है, अच्छी तरह से पक गया है टमाटर। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, टमाटर के ऊपर तक हम पानी डाल देंगे और लिड लगा देंगे, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अभी हम डाल देंगे नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम फिर लिड लगा देंगे और पकने देंगे अच्छी तरह से। तो अभी हम चेक कर लेंगे और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से दबा कर देखेंगे। अगर अच्छी तरह से दब रही है, मैश हो रही है, इसका मतलब कि अच्छी तरह से पक गई है। तो सारी सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो रही है, तो हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल और स्ट्रेनर, और बहुत ही सावधानी से सूप को हम स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि अच्छी तरह से छन जाए। और यहाँ पर हम लेंगे एक मैसर और इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए स्ट्रेनर की सहायता से हम छान लेंगे। बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छान लिया है। तो यहाँ पर टोमेटो सूप बन गया है, आप देख सकते हैं। तो टोमेटो सूप थोड़ा पतला होता है, इसे टमाटर का शोरबा भी बोलते हैं, और बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो अभी मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और इसमें डालेंगे हम क्रूटॉन्स। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। क्रूटॉन्स डालने से टोमेटो सूप का मजा दोगुना हो जाता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगता है। अभी हम एक धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो अभी हमारा टोमेटो सूप बनकर एकदम रेडी हो गया है। तो सर्दियों में मजा लीजिए गर्मा गर्म टोमेटो सूप का।
होप कि आपको मेरी ये आज की टोमेटो सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।